गाइस उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज हम बनाने लगे हैं मिल्क शेक और हम लोग उसमें डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स डालेंगे। और ये है हमारी इंग्रेडिएंट्स, ये है स्ट्रॉबेरी, बनाना, एप्पल्स, डेट्स, और ये है मिल्क, और ये है शुगर। और हम इसको एक एक करके मशीन में डालेंगे और हम इसका मिल्क शेक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे, मैं डालने लगी हूँ, ऐड करने लगी हूँ सब सम स्ट्रॉबेरीज। अब मैं डालने लगी हूँ सम स्ट्रॉबेरीज, आप जितनी ऐड करना चाहते हैं, आप इनको लेस करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने जितना मैंने इसमें 2 बनानास का यूज़ किया, आप जितने चाहिए आप बनानास का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ थोड़े से एप्पल्स, चाहे आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने 1 एप्पल का यूज़ किया है, आप चाहें तो आप 2 एप्पल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा डालने लगी हूँ डेट्स, जब हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दिया, अब मैं डालूंगी थोड़ी सी शुगर। अब मैं डालने लगी हूँ शुगर, मैंने इसमें 2 स्पून लिया, आप 3 स्पून ले सकते हैं, फिर 1 स्पून ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप इसमें हनी भी ले सकते हैं और शक्कर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं तो हनी लेती हूँ मगर अभी मैंने शुगर का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप लोग वो दोनों चीज़ें ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें ये ऐड करने लगी हूँ। अब तो गाइस अब मैं इसमें मिल्क डालने लगी हूँ, आधा गिलास, यहाँ पे मैंने 1 गिलास मैंने मिल्क लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मिक्स हो रहा है गाइस, टेस्ट कैसा है और आप भी कमेंट में बताना कि ये कैसा है। सर गाइज अब ये हमारे मिल्क शेक है और हमने इसको बहुत मेहनत से बनाया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको कि ये कैसा है। बहुत फैंटास्टिक, कितना अच्छा है, अच्छा है, फैंटास्टिक अच्छा है दी। गाइस मुझे एक स्पेशल सरप्राइज मिला है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है।